हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए अब वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं था। मैं साकेत किसी काम से गई थी तो वहां पे अचानक से मेरी नजर कुछ स्टॉल्स पे पड़ी जहां पे ट्रेंडिंग टॉप और ड्रेसेस मिल रही थी, जो आजकल सरोजनी और ऑनलाइन बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी प्राइस पता किया जाए और देखा जाए कि यहाँ पे बार्गेनिंग हो रही है नहीं हो रही। अगर अच्छा कुछ मिलता है तो आप लोगों से शेयर किया जाए ताकि आप लोग भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पीवीआर साकेत आने के लिए आप मालवे नगर मेट्रो से भी आ सकते हैं और साकेत मेट्रो से भी आ सकते हैं। वहाँ दोनों जगह से 5-7 मिनट की वॉक है। आप वॉक करके भी आ सकते हैं और आप ऑटो से भी आ सकते हैं। आप साकेत पीवीआर एक बार पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको पिंट बलूची के अपोजिट क्लोथ्स की स्टॉल्स दिखेंगी, तो आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ आएंगे तो आपको ड्रेसेस की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो बॉटम और टॉप का सेट था, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। इसमें बहुत ज़्यादा कलर भी अवेलेबल थे इनके पास। इसमें पिंक ग्रीन कलर भी अवेलेबल था, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके अलावा यहाँ पर फ्लोरल प्रिंट की स्कर्ट और टॉप का सेट था, ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। ये सेट बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा था। ये कैमरे में जितना खूबसूरत लग रहा है उससे भी ज़्यादा ये प्रिटी लग रहा था। यहाँ पे कुछ यूनिक टी शर्ट और टॉप भी अवेलेबल थे जो कुछ इस तरीके की थी। इसके अलावा इस शॉप में स्कर्ट का बहुत अच्छा कलेक्शन था। भैया ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे तो मैं रैंडमली चूज़ कर रही थी। सारी स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी और इसमें वैरायटीज़ भी काफ़ी अवेलेबल थी। तो इनमें से मैं कुछ ही स्कर्ट्स आपको दिखा पा रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन अवेलेबल थे। कुछ इस तरीके की ड्रेसेस अवेलेबल थी कि इनकी जो लेंथ थी वो शॉर्ट भी थी, मिड भी थी, लॉन्ग भी थी। तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ ड्रेसेस मिल जाएंगी और यहाँ पे इनकी लेंथ का कोई इशू नहीं था। यहाँ पे कुछ इस तरीके के टॉप भी थे और टी शर्ट्स भी थी। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे था। यहाँ पे शॉप तो 3 ही थी लेकिन उनमें भर भर के वैरायटी थी। ये वाले भैया अंदर की वीडियो नहीं लेने दे रहे थे शॉप की, तो मैं बाहर से वीडियो ले रही थी। तो ये वाले चीता प्रिंट टॉप आजकल बहुत चल रहे हैं। इसमें नियॉन कलर का भी भैया के पास टॉप था जो ग्रीन कलर का आजकल बहुत ट्रेंड में है। कुछ इस तरीके के ऑफ शोल्डर टॉप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में अवेलेबल थे। तो ये वाला जो टॉप था इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल थे। इसमें ग्रीन, ब्लैक, पिस्ता, बहुत ज़्यादा कलर अवेलेबल थे और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वैसे इन टॉप के नीचे और भी टॉप्स थे जो भैया दिखाने के लिए मना कर रहे थे, फिर भी जैसे कि ये पर्पल कलर का टॉप है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। ये वाला टॉप है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रेसेस अवेलेबल थी जिनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इन सब में लेंथ का कोई इशू नहीं था। आपको शॉर्ट ड्रेस चाहिए शॉर्ट में मिल जाती, मिड चाहिए मिड में मिल जाती। इसके अलावा यहाँ पे सीक्वेंस वर्क वाली ड्रेस भी अवेलेबल थी। अगर आपने मेरा सरोजनी नगर वाला हॉल देखा है तो उसमें इसी टाइप की ड्रेस मैंने भी ली है और इसमें बस उसका कलर अलग है। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस वर्क वाली ड्रेसेस अवेलेबल थी और साथ में यहाँ पे सीक्वेंस वाली जैकेट भी अवेलेबल थी। यहाँ पे डेनिम जैकेट भी अवेलेबल थी और इस तरीके के कुछ टॉप्स भी थे। ड्रेस की वैरायटीज तो यहाँ पे बहुत सारी थी। चलिए अब देखते हैं कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो पहला जो टॉप खरीदा है मैंने वो कुछ इस तरीके का है। इसकी स्लीव्स में कुछ इस तरीके का डिजाइन है और बैक में येलो कलर की लाइनिंग है। इस टॉप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें पीच कलर और ग्रीन कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट लेना चाहती थी इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर लिया है। और इसकी क्वालिटी सरोजनी नगर वाले कपड़े की क्वालिटी से डिफरेंट है। सरोजनी नगर में भी मैंने ये टॉप देखे थे जिसमें भैया 300 से नीचे नहीं आ रहे थे, लेकिन इसीलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि वो 300 का क्या 250 का भी नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन इसमें जो आगे कपड़ा है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और कपड़ा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए मुझे ये 250 में बिल्कुल वर्थ लगा तो मैंने ये ले लिया। तो जो सेकंड टॉप खरीदा है मैंने वो कुछ इस तरीके का है। ये व्हाइट कलर का है और इसकी स्लीव्स में ऐसे डिजाइन है। इसका जो नीचे इलास्टिक है वो एकदम फिटेड है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है।
ये व्हाइट कलर का है, लेकिन ये बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और ये आई थिंक कॉटन मिक्स है। तो ये टॉप मुझे दूर से तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने पास जाके इसके कपड़े को टच किया, देखा, तो ये बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और ये आई थिंक भैया ने मुझे बहुत ज्यादा बार्गेनिंग के बाद, बहुत ही ज्यादा बार्गेनिंग के बाद ये मुझे उन्होंने 200 में दिया। तो जो नेक्स्ट आइटम मैंने खरीदा है वो मेरा फेवरेट है, एक स्कर्ट और टॉप का पेयर। तो बात कर लेते हैं पहले इस टॉप की, जो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। और इसकी स्लीव्स जो है वो पफी स्लीव्स हैं। और ये टॉप मैंने मीशो में देखा था। और ये जो स्कर्ट है वो इस तरीके की दिखती है। स्कर्ट का इलास्टिक है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि सस्ता का माल हो। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छी है कि बस इसमें किसी ब्रांड का टैग नहीं है। तो मैं तो इससे, और ये मुझे मिला है 350 में। तो वहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी और नेक पीसेस भी अवेलेबल थे, वहाँ पे रिंग्स भी अवेलेबल थी। तो ये वाली रिंग जो मैंने खरीदी ये मुझे 50 की पड़ी। इसके अलावा वहाँ पे रिंग्स के बहुत सारे डिजाइन थे। तो साकेत में स्टॉल तो कम है, लेकिन वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। चाहे वहाँ पे आप ये प्यारी सी ड्रेसेस देख लीजिए, ये जो ब्लैक ड्रेस थी ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। बाकी अगर आपको ये कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ आइए, एक्सप्लोर कीजिए, आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी के साथ साथ इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये रीजनेबल प्राइस में है। बाकी बार्गेन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैकडी के बाहर एक शॉप है जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इयररिंग्स मिलती है। भैया उसका वीडियो नहीं लेने दे रहे थे, पर ये ठीक मैकडी के बाहर है ये वाली शॉप, तो इसका वीडियो मैंने दूर से ही लिया है। आप इसमें ज़रूर जाइए, इसमें इयररिंग्स का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है जो 100 से 200 के बीच में है। कॉस्टली है लेकिन कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आपको यहाँ भी एक्सप्लोर करना चाहिए। वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि साकेत में जो स्टॉल्स है वो सिर्फ 2 या 3 शॉप्स हैं, लेकिन उनमें वैरायटी बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगी। और यहाँ के स्टॉल्स में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो भैया है वो एकदम से बहुत ज्यादा हाई प्राइस नहीं बोलते। भैया ने 350-450 ही मुझे कपड़ों की प्राइस बताए, और जिनपे थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हो गई है जो रीजनेबल भी है। कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अगर भैया 250 या फिर 300 का वो कपड़ा देते हैं तो वो वर्थ है। तो आपको जब भी आप साकेत आते हैं या फिर मालवीय नगर के आसपास आते हैं तो आपको इन शॉप्स में विजिट जरूर करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।